What is crossbite? Crossbite is basically a discrepancy in the transverse plane. Transverse plane में discrepancy in the buccolingual relationship of the upper and lower teeth. ठीक है, और इसको define करते हुए हम reference arch जो है वो lower arch को देते हैं in the British system. Please note down it very 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 carefully. Laura Mitchell may, which is a, basically a British book. Here the definition of the lingual and the buccal crossbite is based on the lower arch and the lower teeth. However, the Americans and the Prophet book, they compare and relate the and define the buccal or lingual crossbite with reference and taking the reference as the upper arch. So इसमें कोई एम्बिगुइटी ना रहे आपके यूएचएस के एग्जाम में. अगर आपको कोई एम्बिगुइटी हो या वाइवा में हो, प्लीज स्पीक और स्पीक राइट वेरी क्लियरली कि बकल क्रॉसबाइट आप किसको कह रहे हैं. तो प्लीज राइट इट डाउन अकॉर्डिंग टू द, या लॉरा मिचेल का आप नाम लिख दें, बुक का नाम लिख दें, या अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन सिस्टम. और अगर आपको कोई, हाउएवर क्योंकि ये चीज बड़ी कॉमन है तो इसलिए आपको एमसीक्यू इस तरह का नहीं आने लगा जिसमें कोई एम्बिग्विटी हो. आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, कोई आपको कोई ऐसा एम्बिगुअस एमसीक्यू नहीं आएगा. ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है डेफिनेशन ये सो करते हुए. तो बकल क्रॉसबाइट जो है वो ब्रिटिश सिस्टम में लेते हैं लोअर आर्च को लेते हुए, और अमेरिकन जो हैं, जो कि आपको डॉक्टर सादिया ने जिस पैटर्न से पढ़ाया हुआ है, उन्होंने आपको अमेरिकन स्टाइल और प्रॉफिट से पढ़ाया है जिसमें कि वो अपर आर्च को ले रहे हैं. इसमें बोथ सिस्टम नॉमेनक्लेचर्स आर करेक्ट, देयर इज नो एम्बिग्विटी के लिंगुअल क्रॉसबाइट में जो है वो रेफरेंस ले रहे हैं या लिंगुअल वर्ड यूज करें विद रेफरेंस टू द लोअर आर्च, और बकल यूज कर रहे हैं विद रेफरेंस टू द लोअर आर्च इन द ब्रिटिश सिस्टम. इन द अमेरिकन और इन द प्रॉफिट बुक they have taken the reference of the upper arch. So what is basically the lingual crossbite? Lingual crossbite ye kya hai ki the buccal cusp, please note kare words ko, the buccal cusp of the lower teeth occlude lingual to the lingual cusp of the upper teeth. theek hai, isko is picture ke sath aap dekh sakte hain aur isko aap note kare ki ये देखें, ये है लिंगुअल क्रॉसबाइट. लिंगुअल क्रॉसबाइट का दूसरा नाम हम देते हैं द सीजर बाइट. ये सीजर कैसे बनी हुई है, ये पूरी कैंची बनी हुई है. कैसे बनी हुई है कैंची, के आप ये देखें कि यहाँ पे कोई टीथ अक्लूजन में आ ही नहीं रहे. लिंगुअल क्रॉसबाइट को या सीजर बाइट को आप याद रखने का सिंपल तरीका क्या है कि आप याद ये रखें कि देर इज नो कॉन्टेक्ट ऑफ द टीथ या ओवर टीथ, या इससे च्यू नहीं कर सकता. सोचें आप इस बात को, यहाँ पे आप कोई चीज च्यू कर सकते हैं, फॉर श्योर नहीं कर सकते. तो लिंगुअल क्रॉसबाइट में क्या है कि द बकल कस्प ऑफ द लोअर टीथ, और से सुने, द बकल कस्प ऑफ द लोअर टीथ आर लिंगुअल टू द लिंगुअल या पैरेटल कस्प ऑफ द अपर टीथ. द बकल कस्प ऑफ द लोअर टीथ आर लिंगुअल टू द बकल या पैरेटल कस्प ऑफ द अपर टीथ. दिस इज लिंगुअल क्रॉसबाइट. बकल क्रॉसबाइट जो है वो क्या है कि यहाँ पे तस्वीर नहीं बनी हुई मेरे ख्याल से. ठीक है, ये बनी हुई, ठीक है, ये आप देखें, दिस इज द बकल क्रॉसबाइट. आइडियल रिलेशनशिप क्या होता है, ये होता है आइडियल रिलेशनशिप. ठीक है, ये दिस इज द बायलैटरल बकल क्रॉसबाइट. तो हुआ क्या है कि यहाँ पर जो है वो लोअर के बकल टीथ जो हैं वो अपर टीथ के बकल कस से बकल साइड पे हैं. जरा गौर से समझें इस बात को. ये होता है आपका नॉर्मल रिलेशनशिप, ठीक है, कि जिसमें कि अपर के बकल कस जो हैं, ये आप दांत में लगे और गौर से फील करके देखें कि जिसमें अपर के बकल कस जो हैं वो बाहर की तरफ है. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ दिस के अपर के बकल कस बाहर की तरफ है यानी कि बकली है, यहाँ पे लोअर के बकल कस जो है वो बकली है. डिफाइन इसे कैसे कर रहे हैं, द बकल कस ऑफ द लोअर टीथ आर बकल टू द बकल कस ऑफ द अपर मोलर्स. ठीक है, तो क्या हुआ, बकल क्रॉसबाइट के क्या लिखे हैं, द डिस्क्रिपेंसी ऑफ द बकल रिलेशनशिप ऑफ द अपर एंड लोअर टीथ. क्रॉसबाइट का नाम दिया, बकल क्रॉसबाइट क्या है, द बकल कस्प ऑफ द लोअर टीथ अक्लूड बकल टू द बकल कस्प ऑफ द अपर टीथ. द बकल कस्प ऑफ द लोअर टीथ अक्लूड बकल टू द बकल कस्प ऑफ द लोअर टीथ. लिंगुअल क्रॉसबाइट क्या है कि जिसमें के जो लिंगुअल लोअर आर्च के जो बकल कस्प हैं दे अक्लूड लिंगुअल टू द लिंगुअल कस्प ऑफ द लोअर टीथ. और इसको जो है वो उन्होंने जो है वो सीजर बाइट का नाम दिया है. इसके मेमोनिक्स आई वुड लव टू टेल यू द मेमोनिक्स ऑफ दिस. इसको याद रखने के लिए आप ये मेमोनिक्स आ सकते हैं. बकल क्रॉस बाइट है ना, तो उसको आप बी सी, बी सी मीन्स बी से बकल और सी से
क्रॉसबाइट। अब सी से वर्ड आप निकालें तो सी का मतलब क्या है, चौड़ा करना, सी फॉर चौड़ा करना। चौड़ा किसको किया आपने, अपर आर्च को और चौड़ा किया। भाई अगर आप गौर से देखें तो आप क्या कर रहे हैं, बकल क्रॉसबाइट में आप पैलेट को चौड़ा करते हैं, यानी कि एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन करने को हमने नाम दिया चौड़ा करना, यानी कि फैलाना। चौड़ा करना उर्दू का लफ्ज है, जिसका मतलब क्या होता है कि उसको फैलाना या चौड़ा करना। तो आपने ये काम किस में किया, किस क्रॉसबाइट में किया, बकल क्रॉसबाइट में किया, क्योंकि बकल क्रॉसबाइट में मैक्सिला को एक्सपेंशन की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू करेक्ट द ट्रांसवर्स रिलेशनशिप। तो बी सी बकल क्रॉसबाइट, सी फॉर चौड़ा करना। तो बकल क्रॉसबाइट में आपको मैक्सिला को एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ेगी। प्लीज नोट डाउन, दिस इज अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम, इजिली आपको याद रहेगा। लिंगुअल क्रॉसबाइट ऑपोजिट टू, उसको ऑपोजिट कर लें तो क्या है, बकल क्रॉसबाइट, जिसमें कि हमें मैक्सिला को एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से आप रिवर्स कर लें मेमोनिक्स को, और जिसमें कि आप डिफाइन कर लें द बकल कस्प ऑफ द लोअर टीथ आर क्लूड बकल टू द बकल कस्प ऑफ द अपर टीथ। इस तरह जरा मुश्किल सा लग रहा है, मैंने आपको जरा इजी कर दिया। इटियोलॉजी पे आ जाए तो इटियोलॉजी क्या हो सकती है क्रॉसबाइट की, एक तो हो सकती है लोकल कॉजेस और एक है स्केलेटल कॉजेस। लोकल कॉजेस चार हैं, एक तो यह है क्राउडिंग की वजह से। क्राउडिंग की वजह से क्या है कि जैसे कि अपर लेबियल सेगमेंट में कोई क्राउडिंग है, और अपर लेबियल सेगमेंट जो है वो इस तरीके से जो है वो डेवलप करना शुरू किया गया है कि अपर लेटरल इंसाइजर जो है वो क्रॉस बाइट में आ रहा है। ठीक है, अपर लेटरल इंसाइजर जो है वो क्राउडिंग की वजह से अगर क्रॉस बाइट में आ रहा है और उसको जगह नहीं मिली कि लेटरल इंसाइजर जो है वो सेंट्रल और केनाइन के दरमियान आ सके, तो ये क्रॉस बाइट जो है क्रॉस बाइट डेवलप हुई, ये क्राउडिंग की वजह से हुई। सिमिलरली अगर इफ देर इज अर्ली लॉस ऑफ द ई, सो बिकॉज ऑफ द अर्ली लॉस ऑफ द ई द अपर सिक्स विल मूव मेजली, द अपर सिक्स विल मूव मेजली एंड विल ब्लॉक दी स्पेस फॉर द प्रॉपर अरप्शन ऑफ द फाइव। सो द फाइव विल अरप्ट पैलेटली और लिंगुअली। अब अगर वो पैलेटली अरप्ट किया या लिंगुअली अरप्ट किया तो उसकी बको रिलेशनशिप जो है वो खराब हो गई, तो वो क्रॉस बाइट बन गई। इसी तरह जो है अगर कोई सुपर न्यूमरी है तो सुपर न्यूमरी कैन डिफ्लेक्ट द अरप्शन ऑफ द परमानेंट टूथ, या इसी तरह इफ देर इज अ रिटेंशन ऑफ द प्राइमरी टूथ, या बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सुपर न्यूमरी ने डिफ्लेक्ट कर दिया, उसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग रिटेंशन ऑफ द प्राइमरी टूथ है तो उसने भी परमानेंट टूथ की इरप्शन को सक्सेसर को डिफ्लेक्ट कर दिया। क्या आपने चार कॉजेस पढ़ी, एक ये कि क्राउडिंग की वजह से अपर लेटरल इंसाइजर पैलेटली इरप्ट कर गया एक बार, दूसरी है अर्ली लॉस ऑफ द ई की वजह से सिक्स जो है वो आगे मिसली आ गया, और फाइव जो है वो पैलेटली या लिंगुअली इरप्ट किया लोअर आर्च में, अपर में पैलेटली इरप्ट किया तो क्रॉस बाइट रिलेशनशिप डेवलप हो गई, या किसी प्राइमरी टूथ की रिटेंशन या सुपर न्यूमरी की वजह से परमानेंट टूथ जो है वो डिफ्लेक्ट हो सकता है, तो वो उसकी हो गई लोकल कॉजेस। चार लोकल कॉज थी, क्राउडिंग की वजह से, अर्ली लॉस ऑफ ई की वजह से, रिटेंशन ऑफ द प्राइमरी टूथ की वजह से, या सुपर न्यूमरी की वजह से जो परमानेंट टूथ अरप्ट किया वो क्रॉस बाइट में डेवलप किया। स्केलेटल पे आ जाते हैं, सिंपल हमने ना डेंटल और स्केलेटल क्रॉस बाइट को डिफ्रेंशिएट करने का जो फैक्टर होता है वो होता है हम उसके नंबर ऑफ टूथ से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दांत एंटीरियर क्रॉस बाइट या दो दांत में है तो हमें लगा इट्स मोर ऑफ अ लोकल कॉज, अगर सारे के सारे इंसाइजर्स ऑफ केनाइन सब पीछे की तरफ है तो इट्स मोर ऑफ अ स्केलेटल कॉज। इसी तरह एक आधा टूथ अगर क्रॉस बाइट में तो इट्स मोर ऑफ अ लोकल लोकलाइज्ड कॉज, या उसको इफ ऑल ऑफ द टीथ एंड सो मेनी टीथ आर इन्वॉल्वड इन द क्रॉस बाइट तो इट्स मोर ऑफ अ स्केलेटल ओरिजिन। ठीक है, स्केलेटल ओरिजिन जो है ना वो दो वजहों से हो सकते हैं, एक तो है ट्रू ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी। ट्रू ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी का मतलब का क्या है कि मैक्सिला का साइज छोटा है, क्या मैंडिबल का साइज छोटा है जिसकी वजह से आपकी जो है वो लिंगुअल क्रॉस बाइट आ रही है, या मैक्सिला का साइज बहुत ओवर साइज या बड़ा है तो जिसकी वजह से आपकी जो है वो सीजर बाइट आ रही है या एक्सपेंडेड वो है। तो ट्रू ट्रू कॉज ऑफ द, यानी कि इनफैक्ट मैक्सिलर मैंडिबल जो है वो साइज में बड़े हैं, अगर ये पैलेट है तो पैलेट का साइज या छोटा या बड़ा है, या मैंडिबल का साइज अगर है तो वो छोटा या बड़ा है, इस बात के ऊपर वो डिपेंड करता है कि ट्रू ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी। हाउएवर द अदर थिंग इज द रिजल्ट ऑफ द एंटोपोस्टीरियर डिस्क्रिपेंसी। एंटोपोस्टीरियर डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है कि देखो अगर आपने एक आइडियल मॉडल की आर्च अपर और लोअर का क्लूड किया हुआ है, ठीक है, अपर लोअर आर्च को आगे की तरफ कर दोगे, अपर लोअर नॉर्मल रिलेशनशिप में, ये कल मैं क्लास में भी करके दिखाऊंगा, अपर लोअर नॉर्मल रिलेशनशिप में है और मैंडिबल आगे चला गया क्लास थ्री में चला गया, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली बकल क्रॉस बाइट डेवलप हो जाएगी। कैसे डेवलप हो जाएगी, सिंपल सिचुएशन ये देखें, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या हुआ कि मैंडिबल आगे की तरफ चला गया तो
मैंडिबल आगे जाने की वजह से आपकी जो है वो पोस्टीरियर क्रॉस बाइट आना शुरू हो जाएगी, इसमें मेरे ख्याल से पिक्चर नहीं है, ठीक है। तो वो रिलेटिव पोजीशन, एंटो पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द मैक्सिलर मैंडिबल की वजह से क्रॉस बाइट आ रही होगी, दिस इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मैक्सिलर मैंडिबल। इसी तरह अगर आपका क्लास टू रिलेशनशिप है, क्लास टू रिलेशनशिप में क्या है, मैक्सिला आएगा मैंडिबल पीछे। अगर हम नॉर्मल रिलेशनशिप के टीथ में भी अगर सिंपल किसी अक्लूजन वाले आर्टिकुलेटेड मॉडल में मैंडिबल को पीछे ले जाएं, जितना पीछे लेके जाते जाएंगे, जितने लोअर इंसाइजर्स को टूवर्ड द मोलर आप पीछे मूव करते जाएंगे, आप देखते जाएंगे ट्रांसवर्स रिलेशनशिप तो खराब हो गया, ठीक है ना। तो एबनॉर्मेलिटी इन द ट्रांसवर्स रिलेशनशिप इज नॉट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द मैंडिबल और मैक्सिला, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द मैक्सिला एंड द मैंडिबल, ठीक है। तो क्या हुआ कि दो इसमें कॉजेस थी, एक तो साइज की वजह से थी, दूसरे उसकी पोजीशन की वजह से थी। मैंडिबल अगर आगे है, क्रॉस बाइट है, तो क्लास थ्री में आपको बकल क्रॉस बाइट मिलेगी, क्लास टू में आपको सीजर बाइट मिलेगी। और सॉफ्ट टिश्यू में क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू में आपको पता है कि थंब सकिंग की वजह से या आपकी जो है वो माउथ ब्रीदिंग की वजह से मसल्स के फोर्सेस डिफरेंट हो जाते हैं। यू ऑल नो दिस कि सकिंग हैबिट्स की वजह से क्रॉस पोस्टीरियर क्रॉस बाइट आ जाएगी, जो कि बेसिकली बकल क्रॉस बाइट होगी, क्योंकि लोअर के बकल टीथ जो है वो बाहर की तरफ होंगे। क्या मेमोनिक्स था, बकल क्रॉस बाइट वो थी जिसमें आपको पैलेट को चौड़ा करना पड़ता है, यानी कि पैलेट को एक्सपैंड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इसके अलावा क्या कॉजेस हैं कि क्लेफ लिप एंड पैलेट है, या टीएमजे में कोई मसला है, या कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से मैंडिबल एक साइड पर जा रहा है, और स्केलेटल एसिमेट्री है। कॉमन सेंस की कहावत है कि स्केलेटल एसिमेट्री की वजह से अगर मैंडिबल एक साइड पर जा रहा है तो वो क्रॉस बाइट आ सकती है। क्या कॉजेस हुई, एक तो थी जो लोकल कॉज जिसमें की थी क्राउडिंग, अर्ली लॉस ऑफ द ई रिटेंशन ऑफ द प्राइमरी टूथ, प्रेजेंस ऑफ द सुपरनियम, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गए स्केलेटल पे आ जाए। तो दो कॉजेज हो सकती हैं, एक है ट्रू ट्रांसफर डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द आरसीज एंड द अदर इज द रिजल्ट ऑफ द एंटो पोस्टीरियर डिस्क्रिपेंसी, व्हिच इज द रिजल्ट इन द मिसमैच ऑफ द आर्च विड, के जिसमें के अपर और लोअर की आर्च फिट ऐसे चेंज हो रही है कि क्लास थ्री में आपके बकल क्रॉस बाइट आ रही है, और क्लास टू में जिसमें मैक्सिला बहुत आगे की तरफ है तो आपको सीजर बाइट मिल रही है। और उसमें सॉफ्ट टिश्यू में कैसे है कि अगर आपकी थंब सकिंग या माउथ ब्रीदिंग की हैबिट है तो उसमें मैक्सिला जो पैलेट कंस्ट्रक्ट कर जाएगा और बकल क्रॉस बाइट आ जाएगी। रेयर कॉजेस में क्या है कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, कोई ट्रॉमा है या पैथोलॉजी है टीएमजे में जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्शन आ रही है। अच्छा, टाइप ऑफ द क्रॉस बाइट क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर क्रॉस बाइट में क्या है कि अगर हम एक या दो दांत इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इट्स मोर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डेंटल रीजन, और अगर दो से ज्यादा दांत इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इट्स मोर ऑफ अ स्केलेटल प्रॉब्लम व्हिच वी हैव सेपरेटली डिस्कस्ड इन क्लास थ्री मैलोक्लूजन। पोस्टीरियर क्रॉस बाइट में हम आ जाते हैं, तो वी हैव डिस्कस्ड कि दो टाइप की क्रॉस बाइट होती हैं, एक बकल और एक लिंगुअल, जो कि लोअर आर्च को एज रेफरेंस यूज करें। प्लीज नोट डाउन डिफरेंस इन टर्मोलॉजी इन दिस थ्योरम मिचेल एंड प्रॉफिट, के हियर द लोअर आर्च इज बीइंग यूज्ड एज रेफरेंस, एंड द लिंगुअल क्रॉस बाइट में क्या है कि जिसमें लोअर टीथ लिंगुअल साइड पे है और अपर टीथ बकल साइड पे। बकल क्रॉस बाइट क्या है, जिसमें के लोअर टीथ आर बकली टू द अपर टीथ, ठीक है, जिसमें कि हमें एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जो पोस्टीरियर क्रॉस बाइट में हमने दो चीजें डिस्कस की, लिंगुअल और लिंगुअल क्रॉस बाइट क्या है और बकल क्रॉस बाइट क्या है। एक चीज जो उन्होंने बात और डिस्कस की वो है यूनिलैटरल बकल क्रॉस बाइट। यूनिलैटरल बकल क्रॉस बाइट का मतलब क्या है कि एक साइड तो आपके नॉर्मल है। यूनिलैटरल बकल क्रॉस बाइट का मतलब क्या है कि एक साइड तो आपकी नॉर्मल है और एक साइड के ऊपर यूनिलैटरल, यूनिलैटरल का मतलब क्या हुआ कि एक साइड के ऊपर आ रही है, यूनिलैटरल बकल क्रॉस बाइट। बकल और लिंगुअल हमने वर्ड डिफाइन किया था फ्रॉम द लोअर आर्च, तो यू हैव अ यूनिलैटरल बकल क्रॉस बाइट, ठीक है। अब ये दो तीन वजूहत की वजह से हो सकती है, एक यूनिलैटरल बकल क्रॉस बाइट या इसके मैनेजमेंट डिपेंड करता है उसकी टियोलॉजी पे। अब इसकी टियोलॉजी डिस्कस करते हैं, तो इसमें तीन बातें उन्होंने दी हुई। एक बात ये कि अगर कोई एक या दो दांत जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक या दो दांत इस तरह से बकल क्रॉस बाइट में गए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इट्स मोर ऑफ अ लोकल प्रॉब्लम। और एक या दो दांत अगर बकल क्रॉस बाइट में है तो ये क्राउडिंग या अर्ली लॉस ऑफ द ई की वजह से हो रहा है। अच्छा, इनके एबनॉर्मल या एक्टॉपिक करप्शन की वजह से क्या हो सकता है कि दिस में लीड टू डिफ्लेक्टिंग कॉन्टैक्ट ऑन क्लोजर ऑफ द क्रॉस बाइट, यानी कि पेशेंट जो बंद कर रहा है मुंह बंद करते हुए, उसकी एबनॉर्मल या एक्टॉपिक करप्शन, कोई डेंटल इंटरफेरेंसेस आई और उसने अपना जॉ साइड पर ले जाके बंद कर लिया। गॉट इट?
ठीक है, अगर किसी प्री अक्लूजल या डेंटल प्री मेच्योरिटीज की वजह से, डेंटल प्री मेच्योरिटीज की वजह से अगर कोई इंटरफेरेंस आई और उसने डिफ्लेक्ट करके साइड में बंद किया, तो ये पोस्टीरियर ट्रांसवर्स रिलेशनशिप में डिस्क्रिपेंसी आ गई। इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से जो क्रॉस बाइट आ रही है वो यूनिलैटरल क्रॉस बाइट हो जाएगी। अभी तक हमने क्या कॉज डिस्कस की, अगर तो उसकी कोई लोकल कॉज है तो वो किसी एक टूथ की वजह से हो सकती है जो लोकलाइज किसी प्रॉब्लम की वजह से होती है। अब ये जो लोकल प्रॉब्लम है वो एक या दो दांत की वजह से, ये मैंडेबल को डिफ्लेक्ट भी कर सकता है। इसके मैंडेबल के डिफ्लेक्ट करने की वजह से एक तरह से बकल क्रॉस बाइट आ सकती है। और एवर अब ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसको जरा दिमाग को जरा खोल के गौर से ध्यान से सुने, इसको समझने की कोशिश करें। सिचुएशन ये है कि मैक्सिला का पैलेट जो है ना, दिस इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल, यू हैव सिमेट्रिकल पैलेट। ठीक है, हुआ क्या कि मैंडिबल ने आके उसके साथ क्लोज किया और सिमेट्रिकल पैलेट है, और मैक्सिला और मैंडिबल बिल्कुल इक्वल साइज के हैं, तो वो इक्वली आपस में आकर रिलेट हुए। हुआ क्या कि दोनों तरफ से एज टू एज मोलर्स मिले। अब बकल के अपर टीथ के भी कस बकल और लोअर के भी बकल कस आपस में मिले, तो अच्छे से अक्लूजन तो नहीं हुई ना कि कस टू कस रिलेशनशिप आ रहा है। आइडियली क्या होता है कि अपर के बकल टीथ तो बकल साइड पे जाके सीट कर रहे होते हैं, लोअर के जो बकल कस हैं वो सेंट्रल फोसा में जाके सीट कर रहे होते हैं। हुआ क्या कि देर इज ट्रांसवर्स मैक्सिलरी डेफिशिएंसी, देर इज अ ट्रांसवर्स मैक्सिलरी डेफिशिएंसी, और इस ट्रांसवर्स मैक्सिलरी डेफिशिएंसी में क्या हो रहा है कि यू हैव इनफैक्ट एच टू एच मोर रिलेशनशिप। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द अक्लूजन, पेशेंट ने क्या किया कि एक साइड पर जाके बंद करेगा, एक साइड को डिफ्लेक्ट कर लिया, जिसमें कि आप क्या कि अपर के मिड लाइन और लोअर के मिड लाइन अब मिसमैच करना शुरू करेगी, क्योंकि मैंडिबल डिफ्लेक्ट करके जा रहा है, जिसको के वर्ड हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि मैंडिबल एक पर्टिकुलर पोजिशन पर जाके बंद होने के बजाय वो डिफ्लेक्ट करके लेफ्ट राइट करके बंद कर रहे हैं, या इंटीरियरली या लेटरली बंद कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ, जिस तरह सीओसीआर शिफ्ट का मैंने पढ़ा था कि वो मैंडिबल आगे ले जाके बंद कर रहे हैं, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि वो एंटीरियरली या लेफ्ट राइट ले जाके बंद कर रहा है। अब ये कस टू कस रिलेशनशिप को अवॉइड करने के लिए इसने क्या किया, ये लेफ्ट या राइट साइड पे, लेट्स अज्यूम कि वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो एच टू एच मिल रहा था, फॉर एग्जाम्पल हम इस चीज को मैग्निफाई करके देखते हैं कि यहाँ पर जो पहले एच टू एच मिल रहा था, अब क्या हुआ कि ये लेफ्ट साइड पे या इस साइड पे शिफ्ट हो गया, तो क्या हुआ कि इसके बकल कस्प जाके इस जगह पे सीट कर गया। गॉट इट, यू हैव, व्हाट इज द सिचुएशन, यू हैव सिमेट्रिकल मैक्सिला बट यू हैव ट्रांसवर्स मैक्सिलरी डेफिशिएंसी। ठीक है, एंड द रिलेशनशिप इज कस्प टू कस्प, तो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द ओक्लूजन द मैंडिबल इज शिफ्टेड टू वन डायरेक्शन वन साइड इन व्हिच द बकल कस्प आर नाउ परफेक्टली सीटिंग इनटू द सेंट्रल फोसा ऑफ द अपर टीथ। यहाँ पे तो रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो गई, बट दूसरे साइड पे क्या हुआ, क्योंकि मैंडिबल डिफ्लेक्ट किया था तो पहले रिलेशनशिप जो एज टू एज था इस तरह से, वो अब क्योंकि इधर शिफ्ट कर गया है मैंडिबल इस साइड पे, अब यहाँ रिलेशनशिप ऐसे आ गया कि इधर क्रॉस बाइट आ गए। ठीक है, अब नाउ द बकल कस्प ऑफ द अपर टीथ आर नाउ सीटिंग इन द सेंट्रल फोसा ऑफ द लोअर टीथ। हुआ क्या कि इससे जो अक्लूजन है वो मैक्सिमाइज हो गई। क्या हुआ कि इसको आप यहां से देखें गौर से कि यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस। ठीक है, यूनिलैटरल प्रोसीड विदाउट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज विदाउट डिस्प्लेसमेंट, कि यहां पर जो है वो एसिमेट्रिक मैक्सिला की वजह से, बट इधर डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि यहाँ एज टू एज मोलर मिले, और कि इस तरीके से देखो यहाँ ये जो परफेक्ट लाइन है ना, जो ब्लैक लाइन है, ये आपकी है नॉर्मल रिलेशनशिप, अपर के बकल कस्प और लोअर के बकल कस्प, अपर के बकल कस्प और लोअर के बकल कस्प आपस में बिल्कुल एक जगह पर शिफ्ट टच कर रहे हैं। हुआ क्या, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज दी अक्लूजन ये इस डायरेक्शन पे मूव कर गया। मूव किया तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो अक्लूजल रिलेशनशिप नॉर्मल हो गया। कैसे नॉर्मल हो गया, गौर से देखें कि नाउ द बकल कस्प ऑफ द लोअर टीथ आर सीटिंग इन द सेंट्रल फोसा ऑफ द अपर टीथ, बट इधर क्या हुआ कि यहाँ पर बकल क्रॉस बाइट डेवलप हो गई। कैसे डेवलप हो गई कि लोअर टीथ ज्यादा बकल ही चले गए और अपर का जो अपर के जो बकल कस्प है वो सीट करना शुरू हो गए सेंट्रल फोसा में। सो यू हैव डेवलप्ड द यूनिलैटरल क्रॉस बाइट विद डिस्प्लेसमेंट। विद डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि मैंडिबल इज मूविंग आइदर लेफ्ट और राइट साइड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज the in order to maximize the occlusion। ठीक है,
मूविंग ऑन, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिलैटरल बकल क्रॉस बाइट. यूनिलैटरल बकल क्रॉस बाइट का मतलब क्या है, एक तरफ अक्रूजल रिलेशनशिप नॉर्मल है, एक तरफ जो है अक्रूजल रिलेशनशिप खराब है. अभी तक हमने दो कॉजेज डिस्कस किए. पहली कॉज, इफ देर इज एक्टोपिक करप्शन ऑफ एनी टूथ व्हिच इज कॉजिंग डेंटल इंटरफेरेंस व्हिच इज लीडिंग टू मूव द मैंडिबल इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन व्हिच इज डिफ्लेक्टिंग द मैंडिबल, वन. सेकेंड हमने क्या किया, इफ देर इज ट्रू ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी और शॉर्ट मैक्सिला व्हिच इज leading to cusp to cusp relationship, and because of the upper and lower cusp are touching to each other, in order to maximize the occlusion, the patient is shifting his mandible or maxillum in one direction, so leading to the buccal crossbite on one side. However, the third possible scenario could be that you could have the asymmetric maxilla. या एसिमेट्रिक सिचुएशन है, मैंडिबल या मैक्सिला की ग्रोथ जो है वो एसिमेट्रिक है, जिसकी वजह से जो है वो विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक तरफ से क्रॉस बाइट थी. हाउएवर अगर मैक्सिला में ही कोई एक साइड से क्लेफ लिप एंड पैलेट है या कुछ किसी वजह से स्कारिंग या ट्रॉमा या किसी और रीजन की वजह से, या मैंडिबल में मैंडिबल में ग्रोथ जो है वो अबनॉर्मल होने की वजह से एक साइड पे ज्यादा ग्रो कर गया है, तो वो दिस यूनिलैटरल क्रॉसबाइट इज विदाउट डिस्प्लेसमेंट. तीन हमने बातें डिस्कस की. यूनिलैटरल बकल क्रॉसबाइट का मतलब क्या है कि एक तरफ से नॉर्मल रिलेशनशिप है और एक तरफ से लोअर के बकल कस्प जो है वो बाहर की तरफ है. तीन वजूहत की वजह से होती है. एक तो है किसी टूथ के अबनॉर्मल इरप्शन की वजह से डिफ्लेक्ट किया मैंडिबल जो लेफ्ट साइड पर जाकर उसने बंद किया. सेकंड सिचुएशन क्या थी, द मैक्सिला मैंडिबल आर of the same size, and because the maxilla is transversely deficient, and in order to maximize the occlusion, the patient is shifting his mandible in one direction, either left or right, and the occlusion will be maximized. Okay, ek taraf se normal relationship aa gaya aur dusri taraf se full buccal crossbite aa gayi, aur jiski wajah se upper ke buccal cusp aur ke central fossa mein seat karna shuru kar gaye. Teesri situation thi ki jisme ki maxilla aur mandible mein true skeletal asymmetry hai. Skeletal asymmetry ki wajah se टीथ जो हैं वो इस रिलेशनशिप में आके बैठ रहे हैं. ये हो गई आपकी यूनिलैटरल क्रॉसबाइट. बायलैटरल बकल क्रॉसबाइट का मतलब क्या है, जिस तरह के दोनों साइडों पे लोअर के बकल टीथ, यू सी बायलैटरल बकल क्रॉसबाइट के लोअर के बकल कस्प जो हैं वो बकल हैं टू द बकल कस्प ऑफ द अपर टीथ. ये आपकी और लिंगुअल क्रॉसबाइट क्या है, जिसको हम सीजर बाइट का भी हमने नाम दिया था. सीजर बाइट क्या है, इट्स मोर ऑफ अ क्लास टू प्रॉब्लम के मैक्सिला के अपर के जो है वो मैक्सिला आगे है, मैंडिबल पीछे है, ड्यू टू मैंडिबल रेट्रोगनेटिज्म या मैक्सिलरी प्रोग्नेथिज्म. तो क्या हुआ कि वो लिंगुअल क्रॉसबाइट है, कि यहाँ द वर्ड इज बेस्ड ऑन द लोअर आर्च. तो लोअर के जो टीथ हैं वो ये देख सकते हैं कि दिस इज द लिंगुअल क्रॉसबाइट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द सीजर बाइट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन. तो इसके जो लोअर के जो बकल कस्प है दे आर लिंगुअल टू द लिंगुअल या पैरेटल कस्प ऑफ द अपर टीथ. ओके, दिस इज द लिंगुअल क्रॉसबाइट. अच्छा, हम इसको ट्रीट क्यों करते हैं, हम इसके ट्रीट करने की रीजन क्या होती है, कि अगर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्रॉसबाइट के पेशेंट में इंपॉर्टेंट से हमने देखने वाली होती है कि पेशेंट एसिमेट्रिक तो नहीं है या पेशेंट लेफ्ट और राइट जो है वो डिफ्लेक्ट करके बंद तो नहीं कर रहा, फिर हम क्या देखेंगे कि उसमें ट्रू स्केलेटल एसिमेट्रिक एलिमेंट है या नहीं, और उसके ट्रीट करने का रैशनल क्या है कि इफ देयर इज अ फंक्शनल क्रॉसबाइट. फंक्शनल क्रॉसबाइट का मतलब क्या है कि इफ द पेशेंट इज मूविंग हिज मैंडिबल लेफ्ट और राइट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द ओक्लूजन, तो यानी कि उसमें सेंट्रिक रिलेशन से शिफ्ट आ रही है, तो दिस इज अ ट्रू केस फॉर द ट्रीटमेंट, बिकॉज दिस मे प्रीडिस्पोज योर टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट फॉर अ फंक्शनल प्रॉब्लम या एसिमेट्रिक मैंडिबल ग्रोथ. एसिमेट्रिक मैंडिबल ग्रोथ कैसे हो रही है, जिस तरह हमने हाइब्रिड फंक्शनल प्लाइन से पढ़ा था कि एक तरफ से ज्यादा डिफ्लेक्ट किया हुआ है टीएमजे जॉइंट पे, कॉन्डाइल ज्यादा आ गया एक तरफ से कम है, तो क्या हुआ कि जो है वो एसिमेट्रिक मैंडिबल ग्रोथ. अभी इस वक्त टाइम जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि क्रॉसबाइट को हम एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीट कर रहे होते हैं. रीजन भी इसके अभी जो क्रॉसबाइट जो फंक्शनल शिफ्ट की वजह से है विद द ग्रोथ, अगर इसी पैटर्न इसी स्टाइल इसी तरीके से ग्रोथ होती रही तो क्या होगा कि वो आपकी जो फंक्शनल क्रॉसबाइट है जो अभी फंक्शनल शिफ्ट है वो स्केलेटल में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, सो वैसे इंपॉर्टेंट अगर हम उसे नहीं ट्रीट करते तो आपके टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट के ऊपर प्रेशर या स्ट्रेस या स्ट्रेन जो है वो ज्यादा आ रहे हैं. सो दिस फंक्शनल क्रॉसबाइट मे प्रीडिस्पोज टुवर्ड टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट डिसफंक्शन सिंड्रोम एंड इन अ ससेप्टेबल इंडिविजुअल. ससेप्टेबल इंडिविजुअल इज अ वेरी ट्रिकी वर्ड दे हैव यूज्ड, कि दिस इज नॉट found in all the patient. ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो अगर आपने फंक्शनल शिफ्ट या लेफ्ट पेशेंट दाएं बाएं ले जाके बंद कर रहे हैं तो हर उस मरीज में जाके आगे जो है वो टीएमडी हो जाएगा, बट
इतने ससेप्टेबल पेशेंट्स में जो है फ्यू पेशेंट्स में वो करेगा, कुछ में वो नहीं करेगा। दूसरी उसमें क्या बात की है कि जो च्यूइंग एफिशिएंसी है, डेफिनेटली अगर आपकी जो सीजर बाइट है तो फॉर श्योर उसमें च्यूइंग आपकी नहीं है, अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। दूसरा क्या है कि अगर इंटीरियर क्रॉस बाइट है तो दिस विल लीडिंग टू एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द लोअर इंसाइजर्स, और एक तो मोबिलिटी उसमें आ जाएगी और वो लोअर टीथ के ऊपर उसका प्रेशर ऐसे होगा कि ट्रियन हो रही है, इंसाइजल एजेस उसके ग्राइंड हो रहे हैं और लोअर टीथ के ऊपर लेबल एक प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से लोअर टीथ जो है वो लेबल सपोर्टेड टिश्यू से आउट हो सकते हैं और लेबल रिसेशन उस पर आ सकती है। ठीक है, लेकिन और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम डिस्प्लेसमेंट को सबसे पहले रूल आउट इस पे करेंगे। ट्रीटमेंट करते हुए हम पहली चीज़ें क्या चीज़ डिसाइड कर रहे होते हैं वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ टूथ मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। इफ देयर इज अ क्रॉस बाइट, फॉर एग्जांपल द सिचुएशन इज दिस, इफ देयर इज अ क्रॉस बाइट, फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डिसाइड कि यहाँ पर किस टाइप की मूवमेंट आई, बिकॉज हमें पता है कि रिमूवेबल लाइन सिर्फ टैपिंग करा सकते हो और बॉडी टूथ मूवमेंट के लिए हमें फिक्स एम्पलीट्यूड रिक्वायर्ड है। तो किस टाइप की टूथ मूवमेंट हमें रिक्वायर्ड है ये this is so important in order to decide the appliance of choice for that particular patient. Agar simple word mein agar bodily tooth movement required a lateral incisor kisi cross bite ko theek karne ke liye, definitely needing a fixed appliances. If you need a tipping movement in a compliant patient, then you can use a removable appliance in order to correct the cross bite. Phir dusri baat hai ki you know ki when you tip the upper incisors labially, to kya hai ki this is increasing the inclination of the lateral incisor of any or any other incisors. So with the flaring, with the labial tipping of the incisors, your overbite is decreasing. Got it? With the labial tipping of the incisors, your overbite would be decreasing. जिस तरह हमने बायमैक्स प्रोट्रूजन में कहा था, बायमैक्स प्रोट्रूजन में कि अपर लोअर टीथ को रेट्रोक्लाइन करने के साथ आपकी जो ओपन बाइट टेंडेंसी खत्म हो रही है, डीप बाइट बढ़ रही है, इसी तरह किसी टीथ को फ्लेयर करने के साथ आपको ओवरलैपिंग ऑफ द इंसाइजर्स जो है वो कम हो रहा है, वो और वो ओपन बाइट की तरफ जा रहा होता है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब हम क्रॉस बाइट को ठीक करते हैं, you have to end up with a situation जहां पर आपकी जो है वो ओवर बाइट जो है वो अच्छे खासी डेवलप हो। सो द अदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल दैट यू शुड कंसीडर एट द एंड ऑफ द टूथ मूवमेंट, हाउ मच ओवर बाइट यू विल एंड अप। ठीक है, पहली बात ये कि व्हाट काइंड ऑफ टूथ मूवमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द करेक्शन ऑफ द क्रॉस बाइट। दूसरा आपने क्या देखा कि एट द एंड ऑफ द करेक्शन ऑफ द क्रॉस बाइट कितनी को ओवर बाइट बाकी बची हो रह गई। ठीक है, फिर तीसरी बात है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप इस केस में देख रहे हैं, यहाँ पर तो लैटरल इंसाइजर को बाहर निकालने के लिए स्पेस ही नहीं है, तो हाउ मच आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी इज प्रेजेंट इन द अपर लोअर आर्च एंड हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द करेक्शन ऑफ द क्रॉस बाइट। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि अगर हमने उसको ये जो क्रॉस बाइट ठीक किया, अगर फॉर एग्जांपल क्रॉस बाइट की वजह से जो है वो आपके लोअर टीथ लेबली मूव कर चुके हैं, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि लोअर टीथ के रिट्रोक्लाइन करने की या रेसिप्रोकल मूवमेंट की जरूरत है भी या नहीं। चार चीजें क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ टूथ मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, व्हाट काइंड ऑफ द हाउ मच ओवरबाइट वुड बी एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। थर्ड ये कि हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल इन द आर्च टू अकोमोडेट द टूथ। ठीक है, चौथा क्या था कि इज द रेसिप्रोकल मूवमेंट ऑफ द टूथ विल बी रिक्वायर्ड और नॉट। In the mixed condition, even a removed appliance would be sufficient. Removed appliance should be strong retentive enough. क्योंकि देखो ना, removable appliance ने काम करना है, ऐसे काम करना है कि उसने upper teeth को flare करना है, तो उसको working के लिए जो है एक strong retention required है। अगर तो strongly retentive नहीं है arch के अंदर, तो क्या होएगा कि वो फुदक के बाहर आ जाएगी। ठीक है, अप्लायंस पूरी की पूरी तो स्ट्रॉन्ग एनफ हो कि वो टूथ के ऊपर जो है कोई फोर्स लगा सके। फिर दूसरी बात यह कि जब आपका टूथ क्रॉस बाइट में है, तो क्रॉस बाइट में अक्लूजल इंटरफेरेंसेस और लॉकिंग आ सकती है। सो यू हैव टू हैव अ काइंड ऑफ अ बकल कैपिंग जस्ट एनफ कि वो अक्लूजन को फ्री करे। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात यह कि जैसे कि अगर आप इस क्रॉस बाइट को ठीक करें लेटरल इंसाइजर की, तो इस क्रॉस बाइट को ठीक करते हुए जब इसको बाहर की तरफ लेके आएंगे तो ये तो केनाइन से टकरा जाएगा। ठीक है ना, इस केनाइन से टकराना शुरू कर जाएगा। इस टकराने से बचाने के लिए यू नीड टू ओपन द बाइट, क्योंकि रिमूव प्लाइंस अगर आप ट्रीट करें, लेट से वैसे रिमूव प्लाइंस ये केस हो नहीं सकता, तो अगर आपने रिमूव प्लाइंस दी है तो उसमें आपको पोस्टीरियर बाइट प्लेन देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ओपन द बाइट इंटीरियरली, सो डेट यू कैन मूव द टीथ इंटीरियरली एफिशेंटली विदाउट एनी अक्लूजर इंटरलॉकिंग। एक बात फिर हमने कहा कि जी इसको ठीक करने के बाद कितनी ओवरबाइट रह जाएगी, अगर तो ओवरबाइट कम है तो लोअर इंसाइजर को हम रेट्रोक्लाइन करेंगे और
जो है वो उसको ठीक कर सकते हैं। एक और सिचुएशन क्या होता है कि अगर क्रॉस बाइट में वो तो बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड आउट है, बिल्कुल आउट ऑफ द आर्च है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है, ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द आर्च है, तो वी कैन कंसिडर द एक्सट्रैक्शन, अगर वो केस एक्सट्रैक्शन के साथ ही कर करना है तो वी कैन कंसिडर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मोस्ट डिस्प्लेस्ड टूथ इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेटेड ऑर्थोडॉन्टिक मैकेनिक्स और लंबे चौड़े मैकेनिक्स के साथ उसको ट्रीट करें, तो बजाय इसके करने के हम सिंपल उसी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कमिंग टू द ट्रीटमेंट फिलोसफी ऑफ द पोस्टीरियर क्रॉस बाइट, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट को हम ठीक क्यों करते हैं, ताकि फंक्शनल शिफ्ट को हम ट्रीट कर सकें। अगर सीजर बाइट है तो हम उसकी अक्लूजन च्यूइंग एफिशिएंसी को ठीक कर सकें, पेशेंट की डिफ्लेक्शन को हम खत्म कर सकें ताकि एसिमेट्रिक स्टाइल में उसकी मैंडिबुलर ग्रोथ ना हो रही हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हम उसकी इटियोलॉजी को कंसीडर करें। अगर थम सकिंग है, अगर ओपन माउथ ब्रीदिंग है या कोई और कॉज है, तो सबसे पहले द मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू आइडेंटिफाई द इटियोलॉजी ऑफ द क्रॉसबाइट बिफोर एम्बार्किंग द ट्रीटमेंट। सो अनदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल टू बी कंसीडर्ड इन द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज द प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कि इफ देयर इज अ मैंडिबुलर शिफ्ट is present or not, and if this mandibular shift is present, is this because of any tooth या किसी डेंटल इंटरफेरेंसेस की वजह से पेशेंट लेफ्ट या साइड राइट साइड पे लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। ये देखने के बाद आपने पहला चीज क्या देखी, टियोलॉजी देखी, दूसरी चीज आपने देखी कि वो क्रॉस बाइट किसी डेंटल इंटरफेरेंसेस या आउट ऑफ द आर्च टूथ की वजह से है या नहीं है, फिर आपने देखा कि उसमें स्केलेटल कंपोनेंट कितना इन्वॉल्व है। स्केलेटल कंपोनेंट का मतलब क्या है कि आइदर वहां पर ट्रू मैक्सिलरी डेफिशिएंसी है या ट्रू मैंडिबुलर डेफिशिएंसी है, मैंडिबल साइज में बड़ा है छोटा है, स्केलेटल एलिमेंट या कंपोनेंट उसका कितना है, फिर उसमें आप ये देखेंगे कि उस स्केलेटल कंपोनेंट को कितने हद तक उसको जो है वो उसने कंपनसेट किया हुआ है टीथ ने। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज मैक्सिलरी ट्रांसफर डेफिशिएंसी तो उसकी कंपनसेशन क्या होंगी, डेंटल और कंपनसेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज मैक्सिलरी ट्रांसफर डेफिशिएंसी तो द टीथ upper teeth will be buccally flared to compensate the transfer discompensation, जिस तरह class 2 class 3 में उसको compensate करते थे। तो हुआ क्या कि just a minute, ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने देखना था कि अगर लोअर फेशियल हाइट जो है वो ज्यादा है या कम है। अभी तक हमने क्या क्या बातें की, एटियोलॉजी को देखे, डेंटल इंटरफेरेंसेस को देखा, स्केलेटल कंपोनेंट को देखा, एसिमेट्री को हमने देखा, इंक्लिनेशन ऑफ द अफेक्टेड टीथ को देखा, ठीक है, क्योंकि अपर आर्च एक्सपेंशन इज मोर लाइकली टू बी स्टेबल इफ द टीथ हैव मूव्ड व्हिच वर इनिशियली पैरेटली टिप, यानी कि अगर एक्सपेंशन वो ज्यादा स्टेबल है उन केसेस में होगी जहां पर टीथ इनिशियली पैरेटली टिप थे। अगर ऑलरेडी बकली फ्लेट थे और उसको आप जबरदस्ती एक्सपैंड कर रहे हैं तो उसका ऐसा जितना को फायदा नहीं होने वाला। फिर उसके बाद हम देखेंगे लोअर फेशियल हाइट को, लोअर फेशियल हाइट में क्या है कि डैम्पिंग इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि अगर तो आप एक्सपैंड करते हुए पैरेटल कस्प जो है, जैसा मैंने बताया था कि आप जैसे देखें कि पैरेटल कस्प जो है वो हैंग कर सकते हैं, तो विद द हैंगिंग ऑफ द पैरेटल कस्प यू मे हैव द इंक्रीज इन द वर्टिकल प्रोपोर्शंस, ठीक है, जैसे हमने इसको एक्सपैंड किया तो विद द एक्सपेंशन there is a possibility that the teeth will tip and the buccal cusp may hang. So with the hanging of the parietal cusp, the vertical proportion will increase. ठीक है? तो वो open bite cases या उसमें expansion करते हुए हम इसको चीज को देखना है। अगर आपने उसको patient को treat करना है तो हम बहुत बड़े ध्यान से करते हैं, transparietal arch उसमें दे देते हैं, hypal headgear उसमें देते हैं, या thick bite plane देते हैं, या आपको पता है कि जो है banded or bonded expander की हम कब करते थे कि bonded expander हम दे रहे होते हैं जहां पर उसका vertical plane जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि जो एक्सपेंशन करते हैं वो प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट से पहले की जाती है। एक्सपेंशन कब की जाती है, प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट से पहले की जाती है, दिस इज द आइडियल टाइम ऑफ द एक्सपेंशन। और आपको पता है क्योंकि एक्सपेंशन जो है वो स्पेस क्रिएट कर रहा होता है, सो विद द एक्सपेंशन यू कैन डेवलप एडिशनल स्पेस, सो इट इज एडवाइजेबल कि यू द रूल ऑफ ऑर्थोडोंटिक इज यू फर्स्ट एक्सपैंड एंड देन यू एक्सट्रैक्ट। उसकी एक रीजन ये भी है कि वो जो दांत हमने एक्सट्रैक्ट करना है, वी कैन यूज दैट टूथ व्हिच इज गोइंग टू बी एक्सट्रैक्टेड विद एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, तो उसको आप एज अ एंकर सेगमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। हाउएवर इन ऑर्डर टू मोर क्लैरिफाई द सिचुएशन जो है वो ज्यादा क्लैरिफाई कैसे हो रही है कि जब आपने एक्सपैंड किया तो उसके साथ आपकी आर्च एंड डिस्क्रिपेंसी रिक्वायरमेंट ड्रामेटिकली चेंज कर गई, स्पेस आपको ज्यादा मिल गई, तो यू मे चेंज योर एक्सट्रक्शन डिसीजन विद द एक्सपेंशन। तो यू फर्स्ट एक्सपैंड देन यू एक्सट्रैक्ट,
ठीक है। और अगर स्केलेटल एसिमेट्री की वजह से है तो उसकी इटियोलॉजी या कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सिलर मैंडिबल को हम देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि किसी तरीके से कैमोफ्लाज हो सकता है या इट्स अ सर्जिकल केस। क्विकली रिवाइज करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ द पोस्टीरियर क्रॉसबाइट में हमें उसको ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। एंटीरियर क्रॉसबाइट है तो वो लोअर लेबल सेगमेंट को आगे की तरफ लेके जा रहा होता है, एल्वियोलर हाउसिंग से आउट करने की कोशिश कर रहा होता है लोअर लेबल टीथ को, और जो है वो एट्रिगन आ रही होती है, पेरोडोंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं। पोस्टीरियर क्रॉसबाइट में क्या है कि इफ द पेशेंट इज मूविंग द मैंडिबल लेफ्ट और राइट, तो वो उसके उसके जॉइंट में इस कुड बी अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर टीएमडी, एंड दिस कुड लीड टू एन एसिमेट्रिक ग्रोथ ऑफ द मैंडिबल एज वेल, और फेशियल एसिमेट्री डेवलप हो सकती है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सपैंड दी। इसके अलावा और भी उसकी रीजंस हैं जो कि अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, उसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस हैं। ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी और उसमें काफी जगह पे यूज होती है एक्सपेंशन को। एनीवेज, और सब एक्सपेंशन करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम उसके टियोलॉजी को देखेंगे, हम उस क्रॉसबाइट में ये देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट कितना ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट है या नहीं, अगर है तो किस वजह से है, कोई डेंटल इंटरफेरेंसेस आ रही है जिसकी वजह से मैक्सिलर मैंडिबल दाएं बाएं लेकर जा रहा है या नहीं, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो कोई स्केलेटल एसिमेट्री है या नहीं, स्केलेटल प्रॉब्लम है तो उसमें कौन सा कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है, मैक्सिलर का या मैंडिबल का, अगर मैक्सिलर मैंडिबल में एसिमेट्री है या नहीं, तो उसके बाद हम जो चीज देखेंगे वो है इंक्लिनेशन ऑफ द अफेक्टेड टूथ। इंक्लिनेशन देखने का फायदा क्या है कि जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो बादल ना खास्ता इनएडवर्टली हम कुछ ना कुछ एक्सपेंड के साथ साथ डेंटल एक्सपेंशन भी कर रहे होते हैं। अगर ऑलरेडी कंपनसेटेड टीथ हैं ट्रांसवर्स प्लेन में, ट्रांसवर्स प्लेन में कंपनसेशन क्या होगा कि टपर टीथ विल बी बकली फ्लेट, तो जो है वो आपको ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंटली देखनी होगी। फिर उसके बाद क्या है, वर्टिकल प्रोपोर्शन को देखना है, क्योंकि पैरेटल कैस्प हैंग करने की वजह से डाउनवर्ड बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द मैंडिबल की वजह से उसका वर्टिकल इंक्रीज कर सकता है। और एक्सपेंशन हम करते हैं हमेशा प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट में, जैसे जैसे एक्सपेंशन की एज या ग्रोथ ज्यादा होती चली जा रही है, फ्यूचर मिड पैरेटल सुच ज्यादा ज्यादा फ्यूज होते चले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से यू विल बी हैविंग मोर ग्रेटर डेंटो एल्वियोलर एक्सपेंशन एज कम्पेयर टू द स्केलेटल एक्सपेंशन। सो यू नीड टू कंसीडर द टाइमिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द एक्सपेंशन, बिकॉज इट शुड प्रेफरेबली बी डन इन द प्री प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट। और जो है वो अगर आर्च लाइन डिस्क्रेंसी का हमने को डिसीजन लेना है तो यू फर्स्ट ऑलवेज एक्सपैंड एंड देन यू मेक द डिसीजन ऑफ द एक्सट्रैक्शन, बिकॉज दिस टूथ विल हेल्प यू आउट फॉर गिविंग द एंकरेज फॉर डूइंग द एक्सपेंशन, एंड दिस एक्सपेंशन विल जनरेट द स्पेस एंड मे ड्रामेटिकली चेंज योर डिसीजन ऑफ द एक्सट्रैक्शन एज वेल। एसिमेट्री आ रही है तो एसिमेट्री में हम उसकी कॉज को और ये देखेंगे कि मैक्सिलर या मैंडिबल में कौन सा वो ज्यादा इन्वॉल्व है। फिर हम आ जाते हैं यूनिलैटरल बकल क्रॉसबाइट में, जिसको हमने डिटेल में देखा हुआ है कि किसी टूथ की डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको मैनेज करना शुरू करेंगे। अगर उसको लाइन ऑफ द आर्च में लेके आएंगे तो अगर किसी एक्टोपिक रप्टेड टूथ की वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैंडिबल आ रही है विच इज लीडिंग टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिलैटरल बकल क्रॉसबाइट, तो आप उसको ठीक करेंगे और मे बी कि वो उसके साथ ही ठीक हो जाए, डिस्प्लेसमेंट की कॉज खत्म हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। फिर उसमें क्या है कि अगर डेंटल कोई क्रॉस बाइट है तो यू कैन डू इट विद क्रॉस इलास्टिक, जैसे क्रॉस इलास्टिक आप शायद इधर देख रहे थे, क्रॉस इलास्टिक्स क्या होते हैं कि मैक्सिला और मैंडिबल में इससे पास कर रहे होते हैं, कि ये मैक्सिला से टच कर रही है और मैंडिबल से अटैचमेंट है। इसमें एक बात ही कह रहे थे कि इसकी करेक्शन के बाद भी आप पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द क्रॉस बाइट इन सीटू छोड़ेंगे, ताकि उसकी जो है वो इवन आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ द क्रॉस बाइट वो स्टेबल पोजीशन में रहें, और थोड़ा सा टाइम अगर इन इन केस दोबारा रिलैप्स भी जाता है तो आप उसको दोबारा क्रॉस बाइट यूज कर सकते हैं। अगर यूनिलैटरल क्रॉस बाइट इन्वॉल्विंग ऑल ऑफ द टीथ ऑफ द बकल सेगमेंट, जो कि दो वो जो सेगमेंट, अगर तो सिमेट्रिकल मैक्सिला मैंडिबल है तो ये मैंडिबल डिस्प्लेसमेंट की वजह से है, जिसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि मैक्सिला को हम सिमेट्रिकली ही एक्सपैंड करेंगे, या दूसरी वजह क्या है कि वो एसिमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की वजह से क्रॉस बाइट हो सकती है। अगर एसिमेट्रिक है तो हम उसको एसिमेट्रिक एक्सपेंशन ही करेंगे, जिसका मेथड आपको मैडम ने बताया होगा कि हम जो एंकरेज यूनिट है उसमें टीथ को ज्यादा एंगेज कर लेते हैं, उसमें पैलेट का एरिया ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं, और जो मूविंग सेगमेंट ऑफ द ट्रांसवर्स प्लेन है उसमें नंबर ऑफ टीथ या नंबर ऑफ पैलेट एरिया ऑफ द पैलेट विल बी ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड एज कम्पेयर टू द एंकर सेगमेंट, उसके साथ ही ठीक हो जाएगा। ऐसे एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट दिस इज फॉर इंपॉर्टेंट कि अगर तो टीथ पहले से
अगर किसी बकल क्रॉस बाइट के केस में, अगर तो टीथ पहले से लिंक पैलेटली इंक्लाइंड थे तो उसके एक्सपैंड करने के बाद वो ज्यादा स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। हाउएवर एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट आपने दो चीजों का ख्याल रखना है, एक तो थोड़ा सा ओवर एक्सपैंड करें क्योंकि ये बड़ी अनस्टेबल काइंड ऑफ ऑक्लूजन है और इसमें रिलैप्स का फैक्टर काफी ज्यादा आता है, तो रिलैप्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसलिए थोड़ा सा ओवर एक्सपेंशन करें। दूसरी बात है कोशिश ये करें कि जो है वो हम बहुत ही नाइसली इंटरडिजिटेटेड ऑक्लूजन है जो कि स्टेबल करके उसको रखेगी, जिस तरह इंटीरियर क्रॉस बाइट में उसको लोअर टीथ उसको होल्ड या लॉक करके रखते थे, इसी तरह क्रॉस बाइट केस में अगर एबनॉर्मल ट्रांसफर रिलेशनशिप है और अगर आपने इसको ठीक कर लिया तो द करेक्टेड ऑक्लूजन इन द ट्रांसवर्स प्लेन इन टर्म ऑफ द इंटरडिजिटेशन जिसमें कि ज्यादा अच्छे स्टीप इंक्लाइंड प्लेन्स जो हैं वो कस्प पे हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से लॉक करके रखेंगे। तो दूसरा, लेकिन अगर जब अगर आपने ओवर करेक्शन करनी है तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट द पेरिडोंटल कंडीशन एंड एज वेल एज ऑन द टू एंड बी वेरी केयरफुल for developing the fenestration in the buccal periodontal supporting area. Buccal crossbite pe aa jaye to this is a very important area. Please listen it very carefully. Buccal crossbite mein please listen it very carefully. Buccal crossbite ki condition kya thi? Bilateral buccal crossbite ke jisme ke bilateral buccal crossbites ke mnemonics maine bataye the aapko ke jisme ke aapko expansion ki zarurat pade. Buccal crossbite C for crossbite and C for चौड़ा करना यानी कि एक्सपैंड करने की जरूरत पड़े अपर आर्च को, तो प्लीज ये जरा गौर से पढ़ें। अनलेस द अपर बकल सेगमेंट आर टिल्टेड पैलेटली, अनलेस द अपर बकल सेगमेंट आर टिल्टेड पैलेटली टू अ सिग्निफिकेंट डिग्री, अ बकल बायलैटरल बकल क्रॉसबाइट आर ऑफन बेटर एक्सेप्टेड। क्या मतलब है कि अगर तो आपके अपर बकल सेगमेंट पैलेटली टिल्टेड नहीं है सिग्निफिकेंटली तो ज्यादा बेहतर ये है कि बकल क्रॉसबाइट बायलैटरल बकल क्रॉसबाइट को आप चुप करके एक्सेप्ट ही कर लें। क्यों? क्योंकि इसको नॉर्मल करते करते बायलैटरल बकल क्रॉसबाइट को ठीक करने जब आप जाएंगे यू मे एंड अप यू देयर इज अ पॉसिबिलिटी अ कॉम्प्लिकेशन उसकी क्या है कि यू मे एंड अप अ सिचुएशन के जिसमें कि यूनिलैटरल बकल क्रॉसबाइट विद डिस्प्लेसमेंट ना डेवलप हो जाए। बात में क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपने मैक्सिला को एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद थोड़ा सा भी रिलैप्स उसमें हुआ तो क्या हुआ कि वो पहले तो क्या था बायलैटरल बकल क्रॉसबाइट में अपर के जो बकल कस्प थे वो लोअर के सेंट्रल फोसा में दोनों साइडों पे जाके सीट कर रहे थे जो कि फंक्शनल ऑक्लूजन थी और पेशेंट च्यूइंग उसके साथ अच्छे तरीके से कर सकता था। ठीक है, ये थी आपकी और ये आपको फंक्शनल कोई प्रॉब्लम है दे रही, स्टैटिक प्रॉब्लम हो सकता है आपको जो है वो डार्क जो है वो बकल कॉरिडोर्स आ रहे हो या एस्थेटिकली आपको बहुत जरूरत हो। एनीवेज फंक्शनली पॉइंट ऑफ व्यू से बकल बायलैटरल बकल क्रॉसबाइट आपको कोई इशू नहीं कर रही। तो किया आपने क्या किया, अगर आपने उसको वन ऑफ द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से बहुत ज्यादा केयरफुल आपको होना पड़ता है व्हाइल ट्रीटिंग द बकल बायलैटरल बकल क्रॉसबाइट, यू हैव एक्सपैंड द अपर आर्च बायलैटरली एंड विद स्लाइट रिलैप्स। हुआ क्या कि पहले तो था अपर के बकल का सीट करते लोअर के सेंट्रल फोसा में, आपने एक्सपैंड किया और आपने बकल रिलेशनशिप नॉर्मल कर दी, या नॉर्मल नहीं भी की तो अपर के बकल कस्प और लोअर के बकल कस्प आपने कस्प टू कस्प जाके टच करना शुरू कर दिया। अब अगर आपके जरा से भी रिलैप्स के साथ कस्प टू कस्प अपर और लोअर के बकल कस्प आपस में टच कर रहे हैं तो पेशेंट में डिफ्लेक्ट द मैंडिबल इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमल इंटरडिजिटेशन। वही हुआ जो एग्जैक्ट कॉज थी यूनिलैटरल बकल क्रॉसबाइट के। ठीक है, कि पेशेंट ने लेफ्ट और राइट ले जाके बंद करना शुरू कर दिया और बकल क्रॉस बाइट आ गई। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। अनलेस द बकल सेगमेंट आर टिल्टेड पैलेटली टू अ सिग्निफिकेंट डिग्री बायलैटरल बकल क्रॉस बाइट आर ऑफन बेटर एक्सेप्टेड, हम उसमें एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, अ डिग्री ऑफ द रिलैप्स। ठीक है, ये इधर गौर से पढ़ते हैं and expand the maxillary bone, but even with this technique a degree of the relapse in the buccopalatal tooth position occur following intervention with the risk of developing unilateral crossbite with associated mandibular displacement। ठीक है, तो जब मैंडुलर डिस्प्लेसमेंट आ गए तो वो आपने फेशियल एसिमेट्री की तरफ आप पेशेंट को ले गए, तो इसलिए क्या है कि अगर जरा सा भी डाउट में हो, जरा एज ज्यादा है तो सर्जिकल एसिमेट्री डबल मैंडिबुलर एक्सपेंशन करनी पड़ती है, तो ये जो है वो जरा ज्यादा बहुत अग्रेसिव हो जाता है। बायलैटरल क्रॉसबाइट आपको क्लेफ्ट के पेशेंट में मिलती है फॉर श्योर, इसमें तो आपको एक्सपेंशन करनी ही करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द स्ट्रेच स्कार टिश्यू ऑफ द पैलेट। और जो लिंगुअल क्रॉसबाइट है, कमिंग टू द लिंगुअल क्रॉसबाइट, सिंगल टूथ अफेक्टेड भी हो सकता है। सिंगल टूथ अफेक्टेड की मोस्ट कॉमन कॉज क्या थी,
क्राउडिंग, ठीक है। अगर तो आपने उस क्राउडेड टूथ को एक्सट्रैक्ट नहीं करना तो आप फिक्स अपलायंसेस फॉर श्योर यूज करनी पड़ेंगे उसको आर्च में लेके आने के लिए, और उसके भी इंटरमैक्सिलरी इलास्टिक से किसी तरीके से आपको ट्रीट करना होगा। अगर सिवियर लिंगुअल क्रॉसबाइट आपको कहाँ मिलेगी, जहां पर आपको जो है वो क्या था क्लास टू रिलेशनशिप होगी, मैक्सिला आ गया मैंडिबल पीछे, ठीक है, रिलेटिव एंटोपोस्टर पोजीशन ऑफ द मैक्सिला मैंडिबल की वजह से क्रॉस बाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते थे, क्रॉस इलास्टिक्स, बट क्रॉस इलास्टिक्स जो है वो इंक्लिनेशन को ड्रामेटिकली चेंज करते हैं, एक्सपीरियंस ऑर्थोडॉन्टिस्ट शुड बी रिक्वायर्ड। ये केस जो है लिंगुअल क्रॉस बाइट का, सीजर बाइट का केस जो है वो जीपी से करने का नहीं है, इट शुड रेफर टू द स्पेशलिस्ट ऑर्थोडॉन्टिक्स। सो मूविंग ऑन टू द few appliances for the expansion, the cord helix appliance, very common appliance in the UK for who are doing the expansion. सबसे इसकी common reason क्या है कि cheap है, flexibility के element इसमें ज़्यादा है, easily fabricate हो सकती है, it can be removed from the माउथ एज वेल, क्योंकि रिमूवल भी हो सकती है कि यहाँ पे लिंगुअल क्लीट्स होते हैं जिसके अंदर शोल्डर भी हो सकती हैं, इंट्रा ओरली एक्टिवेट भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा ओरली एक्टिवेट भी हो सकते हैं। अगर रिमूवल है तो उसको तार के हम मुंह के बाहर एक्टिवेट करें, इंट्रा ओरली है तो इंट्रा ओरली एक्टिवेट भी कर सकते हैं। क्वाड हेलिक्स कहा गया, क्वाड हेलिक्स का नाम क्यों दिया गया, चार हेलिक्स होने की वजह से। यू कैन सी फोर हेलिक्स, टू इन द इंटीरियर प्लेन, टू इन द पोस्टीरियर प्लेन, सो दीज आर मेड अप ऑफ 1 mm या 0.9 mm की वायर के साथ ये बने होते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है कि इट कैन बी रिमूव्ड, दिस कैन गिव अ फोर्स फॉर द स्लो पैलेटल एक्सपेंशन, दिस इज अप्लायंस ऑफ स्लो पैलेटल एक्सपेंशन। इसकी एक्टिवेशन क्या है कि हाफ ऑफ द टूथ विड्थ ऑन ईच साइड, हाफ ऑफ द टूथ विड्थ ऑन ईच साइड, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे खोलेंगे तो ये एंटीरियर सेगमेंट बाहर की तरफ जाएगा, तो ये इस सेगमेंट को बाहर की तरफ करेगा, यहाँ से जब हम खोलेंगे तो ये आर्च ये इस तरफ जाएगा, लेट मी ट्रेस इट, ठीक है। इसको जब आपने खोला, यहां से खोला तो ये चीज पैसिव होके इस जगह से जाएगी, इसको यहां से खोला तो ये पैसिव होके इस जगह से जाएगा, तो ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ट्राई हेलिक्स यूज कर सकते हैं जहां पे आपको दो लगाने की जगह ना हो, सिवियर ट्रांसफर डिस्क्रिपेंसी हो, हाई आर्क पैलेट है, तो उसमें हम ये भी यूज कर सकते हैं। ये कौन सी क्रॉस बाइट है बच्चों, ये आपकी लिंगुअल क्रॉसबाइट है लोअर आर्च को रेफरेंस लेते हुए, और ये इंटरमैक्सिलरी इलास्टिक्स यूज हो रहे हैं इन ऑर्डर टू बकली मूव। ये देखें, ये आपकी लिंगुअल क्रॉसबाइट है जिसमें कि सीजर बाइट का नाम दिया हुआ था, कैंची की तरह सीजर बाइट है, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक्सपेंशन आर्च यूज हो सकती है, एक्सपेंशन आर्च इज मेड अप ऑफ 0.9 से 1.35 mm डायमीटर की वायर है। ये एक्सपेंशन आर्च वायर जो है, अगर आप ये गौर से देखें तो आपने स्लो एक्सपेंशन की एक डिवाइस है, इंट्रा ओरली आप कुछ नहीं करना, सबसे अच्छी बात यह है कि स्लो एक्सपेंशन की वाइज है और चीप है, क्लिनिकली सेट कर सकते हैं। यू हैव टू हैव बैंड ऑन द मोलर्स, बैंड होना मस्ट है, 7 भी बैंडेड हो तो ज्यादा अच्छी बात है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में मोलर की बकल ट्यूब्स जो हैं, जो मोलर ट्यूब्स हैं उसके अंदर ये चली जाएंगी ये, और इसको आप होल्ड कर लिया जाएगा लेसपैक वायर के साथ, और जो है वो ये वो काम करेंगी। हेडगियर ट्यूब्स में चले गई 0.9 से 1.3 mm डायमीटर की वायर है, इसको सिक्योर करने के लिए देखो ना, अगर हमने इसमें मेटल के ट्यूब में डाला तो ये बाहर भी आ सकता है, तो इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक लूप थी और इस लूप को लेस पैक वायर के साथ होल्ड कर लिया, ठीक है। इसका एक साइड इफेक्ट क्या है कि ये बकल क्राउन टिपिंग भी कर सकता है, कि एक्सपैंड करेगा तो पैलेटल कस उसी तरह से हैंग कर सकता है। बाकी रैपिड पैलेटल एक्सपेंशन अप्लायंसेस को आपको बड़ी डिटेल में पता है, इसमें क्या होता है कि दो टाइप की अप्लायंस होती है, एक बॉन्डेड एक बैंडेड। बैंडेड हम यूज करते हैं हाई एंगल पेशेंट्स में, और इसके दो तीन प्रोटोकॉल्स हैं, स्लो एक्सपेंशन प्रोटोकॉल, रैपिड एक्सपेंशन प्रोटोकॉल। यू क्वाइट अवेयर ऑफ दिस के स्लो रैपिड एक्सपेंशन प्रोटोकॉल में हम 0.25 से लेकर 0.5 mm या 1 mm तक भी जाती है डेली एक्सपेंशन प्रोटोकॉल। दिस वेरीज फ्रॉम ऑथर टू ऑथर, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट मिलेगा, लेकिन द पॉइंट इज दिस कि रैपिड पैलेटल एक्सपेंशन में आपको डेली एक्सपेंशन मिलेगी, रेंज फ्रॉम 0.25 टू 0.5 इवन 1 mm तक भी जाती है। सम टाइम कुछ जो ऑथर रिकमेंड करते हैं 2 टर्न्स इन द मॉर्निंग, 2 टर्न्स इन द इवनिंग, और सम रिकमेंड 1 टर्न इन द मॉर्निंग, 1 टर्न इन द इवनिंग। हाउएवर इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द स्लो पैलेटल एक्सपेंशन। स्लो में आप 1 टर्न एक दिन देते हैं जो 0.25 mm का होता है, उसके बाद एक दिन का गैप, और फिर तीसरे दिन जाके अल्टरनेटिव डे के ऊपर जो है वो एक्सपेंशन चल रही होती है, ठीक है। तो
इसमें उसमें फर्क क्या है कि इसमें आपको डायस्टोमा मिलेगा रैपिड पैलेटल एक्सपेंशन, इट्स मोर ऑफ अ स्केलेटल एक्सपेंशन, जो स्लो एक्सपेंशन है वो मेनली जो है वो डेंटल वेलर सेगमेंट के लिए हो रही होती है। हाउएवर अगर वो करे भी तो इन दोनों के रिजल्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। रैपिड पैलेटल में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये एक्टिव एक्सपेंशन जो है वो दो हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगी, द रेस्ट ऑफ द डेज यू हैव टू होल्ड द टीथ इन दैट पर्टिकुलर पोजिशन, द स्केलेटल मे रिलैप्स टूवर्ड द ईच अदर। टीथ आपने एक्सपैंड किए, वो टीथ अप्लायंस ने होल्ड करके रखे रखे और जो आपकी बोन है वो स्ट्रेच बैक करके, क्योंकि पैरेटल टिश्यू इसके रिलैप्स होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि जो पैरेटल पे जो सॉफ्ट टिश्यू है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है, उसके अंदर बड़ी पावरफुल होता है, तो वो वापस खींच के इसको लेके आ सकता है। सो वन ऑफ द प्रोटोकॉल के दिस अच्छा इसमें क्या है कि सूचर फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं मैगजिला के, सो दैट्स व्हाई द बेस्ट टाइम फॉर द एक्सपेंशन इज प्री प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट, प्री प्यूबर्टल प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट से पहले आपने इसकी एक्सपेंशन करनी होती है। तो दूसरी बात क्या है कि अर्ली टीन्स में हम ये करेंगे, क्लेफ्ट पेशेंट में हम ये कर भी सकते हैं जिसमें कि वो दिस विल एक्सपैंड द स्कार टिश्यू ऑफ द पैलेट। और दूसरा इसमें क्या है कि इफ द एक्सपेंशन एक्सपेंशन होने के बाद जो है ये अप्लायंस उसमें यहीं पे रख दी जाती है, इसी जगह पे इंसिटू छोड़ दिया जाता है, हु वुड बी एक्टिंग एज अ रिटेनर, आपको सेपरेट रिटेनर देने की जरूरत नहीं है। और एवर अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा तंग कर रही है तो ट्रांसपेरेटल आर्च विद एक्सटेंडेड आर्म यू कैन यूज एज अ रिटेनर, और एवर द सेम अप्लायंस विद फ्लो ऑफ द एक्रेलिक लाइट के कंपोजिट के साथ उसको हम सील कर सकते हैं, दिस विल होल्ड द एक्सपेंडेड पोजिशन ऑफ द अप्लायंस और यूज हो सकती है। और एवर इन सर्टन सिचुएशन इन एडल्ट पेशेंट यू कैन यू हैव टू डू यू हैव टू सेपरेट और गिव द इंसिजन इन द मिड ऑफ द पैलेट सो इट कैन बी सेपरेटेड एंड यू कैन यूज द पैलेटल एक्सपेंडर अलोंग विद द सर्जिकल सेपरेशन ऑफ द मिड पैलेटल सुचर या जाइगोमेट्रिक बटरस या नेजल बटरस या को भी रिलीज करना पड़ सकता है। तो दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड सर्जिकली असिस्टेड रैपिड पैलेटल एक्सपेंशन, सार्पी का नाम दिया जाता है क्लासिकली, हाउएवर द लेटेस्ट रिटेंशन दिस ऑलवेज नेम इज रिप्लेस्ड विद सार्मी सर्जिकली असिस्टेड रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन। तो यहाँ पर ना वैसे थोड़ा सा मुझे मैं डिसएग्री करता हूँ कि पैरेटल एक्सपेंशन नहीं है, इट्स बेसिकली द मैक्सिलरी एक्सपेंशन, रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन जो वर्ड है। तो पैरेटल एक्सपेंशन जो है ना वो क्योंकि सिर्फ पैरेट का तो एक्सपेंशन हो नहीं रही, पूरे पूरे मैक्सिला की हो रही होती है, तो द बेटर वर्ड इज सार्मी सर्जिकल असिस्टेड रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन। तो इसमें क्या करना, सिंपल दो बातें याद रखने की, मिड पैरेटल सुचर को रिलीज करते हैं, सेपरेट करते हैं ताकि इजिली जा सके, जाइगोमेट्रिक बटरस को समटाइम और अगर ज्यादा रिक्वायर्ड है जहाँ पे तो एडल्ट पेशेंट है सुचर फ्यूज कर सके तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो इसका क्लासिकल एडवांटेजेस जो बताए जाते थे कि ये नेजल ब्रीथ वे एयर वे को इम्प्रूव कर देगा या ये रिड्यूस पेरिडोंटल सपोर्ट, क्योंकि अगर हम क्लासिकल कन्वेंशनल एक्सपेंडर को यूज करें तो क्योंकि वो टीथ के ऊपर होल्ड कर रहे होते हैं और तो उसके ऊपर पेरिडोंटल बोन लॉस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने सर्जिकली रिलीज किया हुआ है, सारी रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया हुआ है, तो इट वॉज इनिशियली क्लेम्ड कि ये जो है वो पेरिनेटल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जो है वो बेहतर है। तो ये अभी क्लेम्स जो है वो अभी अच्छे तरीके से प्रूव नहीं हुए, सो दीज आर अनप्रूवन फैक्ट अबाउट द बेनिफिट ऑफ द सर्जिकल असिस्टेड रैपिड पेरिनेटल एक्सपेंशन।